अध्याय नंबर एक का आपको जानना है कि सबसे पहले इसे शॉर्ट में निकालना होगा, ठीक है। कह रहा है कि जीरो, ठीक है, सबसे पहले आपको जानना है, ठीक है। कह रहा है कि जीरो, ठीक है, जीरो और पचास के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। क्या कह रहा है? जीरो और पचास के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सीधे याद करना है विषम संख्या का, हमेशा दिमाग में रखिएगा, जीरो और पचास का है, जीरो और सौ का बीच का है। तो सीधे जो अंक लास्ट में दिखाई दे रहा है टोटल में क्या कीजिएगा, दो से भाग कर दीजिएगा, आपका उतना प्राप्त होगा। जब 50 में आप 2 से भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 50 में 2 से भाग कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 25। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो गया, जिसमें आपको 25 हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि 5, 15 और 20 का लसा और मसक का अनुपात क्या, ठीक है। तो शॉर्ट में सबसे पहले क्या करना है, 5, 15, 20 और 20 के लसा और मसक का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप सभी को यूक्लिड विभाजन, देखिए शॉर्ट में सबसे पहले जाना है यूक्लिड विभाजन से। अगर नहीं आ रहा है तो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में तो नहीं ना कहेगा कि बनाना है, ऑब्जेक्टिव में कहेगा बनाने के लिए तब बनाना है। लेकिन अगर सीधे कह देगा कि ऑब्जेक्टिव दे रहा है तो उसमें सीधे एलसीएम निकाल देना है। तो क्या करेंगे, 5, 15 और 20 का एलसीएम निकाल देंगे। 5 एकम 5, 5 15, 5 चौका 20, 5 15 और 15 चौका 60, आपका एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम निकला, एलसीएम बराबर क्या हो गया आपका 60 हो गया। अब एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का जैसे गुणनफल क्या हो जाएगा, 5 का 5 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, 15 है, तो 15 का क्या होगा, 5 15। उसके बाद हमारा क्या है, 20, तो 20 का निकालेंगे, 20 का निकालेंगे तो 5 चौका 20, 2 का इसमें 2 नहीं मिल रहा है, तीनों में क्या है, 5 मिल रहा है ना, बस इसमें आपको एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 5 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अनुपात कर रहा है, तो अनुपात जब कर रहा है कि लसा और मसा का अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो सीधे फिर लिख देना होगा अनुपात में, अनुपात आप ट्रिक पर जाना है, सीधे 60 लिख दीजिएगा, उतना सूचना नहीं है, अनुपात बराबर लिखिएगा एलसीएम। फर्स्ट किसका चर्चा किया है, लसा ऊपर जाएगा और मसा नीचे जाएगा, तो जब लसा तो 60 और एलसीएम कितना है, 5, तो 12/25 यानी 12 अनुपात कितना हो गया, यानी आपका डी हो गया। इस पता चलेगा एक होगा, कटा दिए हैं एक, सर 12/25 है तो एक, हाँ? मान लीजिए खाली 12 है तो एक मानेंगे, हाँ, तो ये एक मतलब कटा तब ना, 5 एकम 5 और 5 बराबर 60 हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ 12 अनुपात जहाँ कुछ नहीं बचता है कटाने पर, वहाँ एक हो जाता है हमेशा, ठीक है। तो 12/25 60 का 12 अनुपात आपका एक हो जाएगा, कितना, तो आपका डी हो गया। समझ में आई लव, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, निम्न में कौन कह रहा है अपरिमेय संख्या, कुछ नहीं सोचना है, जिसका वर्गमूल निकल गया वह अपरिमेय हो जाएगा, और जिसका नहीं निकला तो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो देखिए 35 का निकालिएगा तो रूट में क्या होगा, रूट में क्या होगा, 500 से इसमें जोड़ा दोनों का नहीं ना पूरा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर दोनों आ जाता तो इसका वर्गमूल टूट जाता, ठीक है। अगर 24 का तोड़ के देखिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दून 4 4 दूनी 8 8 तिरका, देखिए 2 का जोड़ा पूरा तो क्या हो जाएगा, 2√6, जोड़ा पूरा आते हैं तो 2 एगो इसमें से बाहर हो जाएगा, जो बाकी जोड़ा नहीं पूटता है उसमें गुना करके अंदर लिख देते हैं, तो क्या पूरा पूर्ण रूप से टूटा है, नहीं ना टूटा है, इसलिए जब पूर्ण रूप से नहीं टूटा तो क्या होगा, यह जो आपका क्या होगा, परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यह भी नहीं है ना, 10 भी है तो यह भी गलत है, 24 भी गलत है
35 का भी नहीं निकला, लेकिन 121 का हमें देखना है। ठीक है, जब 21 का तोड़िएगा, 121 का जब तोड़िएगा तो 11 गुना 11 आपका होगा, होगा ना, 11 गुना 11 तो इसका 11 स्क्वायर हो गया, एक और निकल गया तो 11 यानी इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से टूट गया। जब टूट गया तो आपका डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा, कौन संख्या हो गया, अपर में नहीं कह रहा है तो ये अपर में है, तो इसमें कह रहा है कि अपर में नहीं, तो तीन को तो अपर में है, लेकिन उसके अलावा जो अपर में नहीं है इसका मतलब कहा कि इसमें परिमेय संख्या चुनना है, और तीन गो अपरिमेय हो गया, यानी ये परिमेय संख्या आपका हो गया और यह अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन 4 नंबर, ठीक है, अब इसे समझना है। दो संख्याओं, सबसे पहले देखिएगा जब एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं कहें कि आपको क्या करना है, 510 और 640 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो यह कई गो संख्या दिखाई दे रहा है, कई गो संख्या है, दो है ना। ठीक उसी तरह इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का, यानी देखिए यहाँ 4 नंबर, दो संख्याओं ए और बी 18 हो गया, ठीक है, दो संख्या कौन कौन हो गया, ए और 18, यानी ए का जगह पर मान लीजिए 510 नहीं दिया है तो ए का जो मान होगा आप अपना से निकालना है, और 18 का लॉस 36 है, ए वाला संख्या हो गया और 18 दो संख्याओं का लॉस 36 और मौसम 2 है, तो 18 का लॉस कितना है 36, यानी दोनों का है, ए और 18 का लॉस निकालने पर अभूतम निकालने पर 36 आ गया और मौसा ए और 18 का निकालने पर 2 आ गया, तो सबसे पहले 2 संख्या कह रहे हैं, तो इसमें 2 संख्या कौन होगा, ए और 18, ए और 18 होगा और 36 और 2 जो मौसा हो गया, तो हम बताए हैं नियम में सूत्र से बताए हैं कि जैसे मान लीजिए दो संख्या का गुणन फल बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम, हमेशा याद रखिएगा, जहां दो संख्याओं की चर्चा है उसमें एक का मान निकालने के लिए चाहे एक्स रख देता उसके जगह पर, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन दो संख्याओं का अगर एलसीएफ एलसीएम, अब इसमें दो संख्या दिया रहता आपको एलसीएम मालूम नहीं है आज अब मौसा निकालना है तो क्या करेंगे, सेम यही विधि लेंगे, हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम हो गया, तो दो संख्या इसमें कौन कौन हो गया, ए और 18, तो ए गुना 18 बराबर कितना लिखेंगे, एचसीएफ आपका इसमें कौन है, इसमें एचसीएफ दोनों में कौन है 36 एलसीएम हो गया, और एचसीएफ मौसा यानी महत्तम सामर्थक, यानी तो दो आपका जो हो गया एचसीएफ कहलाएगा, मौसा का मतलब एचसीएफ और लॉसा का मतलब एलसीएफ, तो आपका 2 गुना 36 हो गया। अब देखिए अब इसमें ए का मान निकालना है तो 18 ए भी लिख सकते हैं चाहे 9 भी लिख सकते हैं, तो गुना में जब रहता है इधर ए वाला का मान निकालना होता है तो गुना में रहता है तो ये संख्या उठकर इधर आता है, तो गुना जब रहता है तो भाग हो जाता है कि नहीं, तो इसमें लिखेंगे ए बराबर 2 गुना 36 बटा 18 दुना आपका ए का मान कितना हुआ 2 दुनी इसमें 4 दिखाई दे रहा है सी हो गया, यानी आपका 4 आ गया, कोई दिक्कत है, अब 5 नंबर में देख रहे हैं, देखिए सीध करने से पहले आप सभी को अगर बताया गया है √5 को सीध कीजिए, √6 को सीध कीजिए, √7 को सीध कीजिए, तो उसमें देखिएगा लिखा रहता है क्यू पूर्णांक है, बी पूर्णांक है, ए बी सहभाज संख्या है, बी सी सहभाज संख्या है, तो सबसे पहले देखिए यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं,
अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? स्वयं स्वयं और एक से कटे, वही अभाज्य संख्या, याद रखिएगा हमेशा। वैसी संख्या जो स्वयं और एक से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसने कह दिया है कि p और q क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी p मान लीजिए, p का जगह पर अगर 2 हो गया, 2 होगा ना, 3 होगा, 2 और 3 का अगर आप निकालिएगा, क्या निकालिएगा, उनका मौसा निकालिएगा, तो क्या होगा?